बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल बाजार जैसा रबड़ी दूध का शरबत। तो ये दूध का शरबत इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चे बड़े सारे इसको बहुत शौक से पियेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीनन सब इसको बहुत पसंद करेंगे। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। अब इसमें ऐड करेंगे फलूदे वाली वाइट सेवैयाँ या इस तरह की कलर सेवैयाँ, तो दोनों में से आपके पास जो है ऐड कर लें। लेकिन इस तरह की जो कलर सेवैयाँ हैं, इनका साइज़ छोटा होता है और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं शरबत में। तो यहाँ पर मैंने कलर वाली सेवैयाँ दी हैं। इसको बॉयल कर लेंगे। तो जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी तो इनको निकाल लेंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध का ऐड करेंगे। उसको हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। बॉयल आने के बाद उसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करते रहेंगे जब तक इसकी जो क्वांटिटी है ऐसा ऐसा कम होती रहेगी। तो चम्मच की मदद से साइडों से इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि जो साइडें इसकी क्लियर होती रहें। यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मसलसल लो फ्लेम पर इसको कुक करते रहेंगे। ये हमारा जो रबड़ी है ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अगर आपके पास कम वक्त है तो आप इसको बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, वरना ये 40 से 50 मिनट में आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम अपने दूध के शरबत में इस्तेमाल करेंगे। तो रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। आप फ्रेश या डिब्बे वाला दोनों ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 10 सब्ज़ी इलायची, बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो ये दोनों डाल के बॉयल कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको बॉयल कर लेंगे ताकि जो हमारा बादाम और पिस्ता है इसकी खुशबू अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए। तो बॉयल करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो दूध यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे सेवैयाँ जो हमने बॉयल की थी, उसकी सारी क्वान्टिटी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेवैयाँ डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून तुख मलंगा, उसको मैंने 5 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, वो इसके अंदर शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डालने से जो हमारा शरबत है उसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और आपको इस बहुत पसंद करेंगे। तो इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे रबड़ी जो हमने बनाई थी। मैंने 1 लीटर दूसरे रबड़ी बनाई थी, उसकी 1/2 क्वान्टिटी इसके अंदर शामिल कर दूंगा। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दूध को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको इसी तरह हिलाते रहेंगे ताकि जो रबड़ी और दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, या इसके अंदर बर्फ़ डाल के हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा रबड़ी दूध का शरबत हमने बहुत ही आसानी से घर में बना लिया। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।